उसमें घरों में होंगे। और आज का हमारा जो सेशन है वो एक नई स्टोरी के साथ होगा, एक नई स्किल के ऊपर होगा। और आज का जो स्किल है हमारे पास, दैट इज SEO। मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने SEO के बारे में बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी, तो उन सारी चीज़ों के हवाले से हम लोग जो है वो यहाँ पे आज डिस्कशन करेंगे। इसका फ्यूचर क्या है, क्या हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और ऐसे कौन से की कॉम्पोनेंट है जो कि हम लोग इस लॉकडाउन की सिचुएशन में सीख सकते हैं और उसको जो है वो फर्दर अप्लाई कर सकते हैं। आज हमें जो है वो ज्वाइन की है मिस जनवा ताजीन ने, जो कि पिछले तकरीबन 5 ईयर्स से जो है वो SEO की फील्ड में काम कर रही है, और उसके अलावा जो है वो अपनी एक कंपनी भी चला रही है दुनिया के नाम से। तो वेलकम टू द शो मिस, थैंक यू सो मच थैंक आपने यू। हमें जो है वो अपने बिजी शेड्यूल में से ज्वाइन किया। और बड़ी बात होती है कि लाइक इतने बिजी शेड्यूल में से कोई बंदा हमें ऐसे ज्वाइन कर ले और अपनी जो है उसको शेयर करे। तो मिस जनवा, टाइम हमारे पास जो थोड़ा सा शॉर्ट होगा आज के सेशन, वैसे तो मैं चाहूंगा कि अगर आप ऑडियंस को थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करें कि आप क्या करती हैं और क्या, आप एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं चाहूंगा अगर आप देना चाहें, बिकॉज बहुत सारी चीजें जो है वो मुझे भी नहीं पता आपके बारे में। थैंक यू सो मच अनान फॉर इनवाइटिंग मी। मैं क्या करती हूँ, मैं SEO करती हूँ। मेरा जो एक्सपर्ट लेवल है उसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह में वो SEO का है। ठीक है, अब SEO के फर्दर टाइप्स हैं, लाइक ASO भी SEO की ही एक टाइप है, बहुत ही डिफरेंट है। ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन सेंस उसकी वहीं से निकलती है। YouTube SEO भी इसी के अंदर आती है। ठीक है, तो मेरा जो मेन कोर है वो वेब SEO और YouTube SEO है। ठीक है, तो मैं ये दो प्रोजेक्ट्स करती हूँ इनसे रिलेटेड। पहले तो खैर मेरे हिसाब से हमारी ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि SEO क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी डेफिनेशन। तो अगर आसान अल्फाज में इसमें आपसे पूछूं कि SEO क्या है, तो क्या आप कहेंगे इसके बारे में? आसान अल्फाज में मैं ये कहूंगी कि कोई भी कीवर्ड आप कुछ भी गूगल के ऊपर सर्च करते हो, चाहे वो किसी चीज़ का मीनिंग है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट का नाम है, किसी सर्विस को बाय करने के लिए, या किसी इंफॉर्मेशन डेफिनेशन पढ़ने के लिए भी आप गूगल के ऊपर, गूगल की सर्च बार में कुछ भी लिख के टाइप करते हो, जो रिजल्ट्स नीचे आते हैं ना वो SEO की बेस पे आते हैं। अगर आपने SEO नहीं की हुई अपनी वेबसाइट की, तो आप टॉप रैंक नहीं करोगे अच्छे कीवर्ड्स पे, और आपकी बहुत सारी ट्रैफिक जाया चली जाएगी जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। अगर इस सिचुएशन में बात करें तो SEO जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम अपनी एग्जैक्ट ऑडियंस को रीच करना चाहते हैं। तो इस हवाले से आपको पाकिस्तान में क्या लगता है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में SEO का क्या स्कोप है, और क्या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है इसकी फील्ड के अंदर, यहाँ पे नहीं इतना सब कुछ हो रहा? नहीं, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। पाकिस्तानीज इंक्लूडिंग पाकिस्तानीज ओवरऑल ग्लोबली जो है वो सारा डिजिटल दुनिया आ गई है। हम भी ट्रेनिंग ले रहे हैं अब आपस में, बेशक ही कोविड की वजह से हुआ है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो डिजिटल हो चुके हैं। ठीक है, ई कॉमर्स साइट्स हमारी डिजिटल हो गई हैं, यानी कि आपके जो स्टोर्स हैं वो ई कॉमर्स बन गए हैं। डिजिटल दुनिया में आप आ गए हो, और 5 सालों में आपका ईच एंड एवरीथिंग जो है वो वेबसाइट की बेस पे है, ऑनलाइन इंटरनेट की बेस पे। इसकी शक्लें चेंज होती रहेंगी, ये भी हम आजकल ये केस स्टडीज कर रहे हैं। जैसे मैंने डिक्शनरी का कहा कि कोई भी की वर्ड आपने सर्च करना है, तो अब गूगल क्या करता है, खुद ब खुद जो नीचे सजेशन देता है उसके साथ ही मीनिंग बता देता है। ठीक है, गूगल की अपनी बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं जो हमें, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली हैं। बहुत सारी चीजें वेबसाइट से निकल जाएंगी जिसकी वजह से हम अर्निंग कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है। अच्छा, मुझे एक्चुअली ये जानना था कि SEO, जाहिर सी बात है आप कह रहे हैं कि वेबसाइट आपकी होती है और वेबसाइट की करने के बाद वो गूगल में टॉप पर रैंक करते हैं, तो ऐसे क्या की कंपोनेंट्स हैं जो कि SEO में आप लोग यूज़ करते हैं, ऐसी क्या चीज़ें जो कि SEO में हमें देखनी पड़ती है जिससे रैंकिंग वगैरह इफेक्ट होती है? ऐसी क्या चीजें हैं जिसमें हमें देखनी चाहिए, दो चीजें हैं। ठीक है, पहली चीज जो हम इग्नोर कर जाते हैं, इवन मेरे स्टूडेंट्स तक, यानी कि उनको पूरी SEO सिखा दी, अब वो जब करने बैठे हैं ना तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो इग्नोर कर जाते हैं, और वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कंपेटिटर एनालिसिस। ठीक है, आपका कंपेटिटर कौन है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको 0% SEO आती है ना, कोई ऐसा इंसान अभी मुझे देख रहा है जिसने अभी अभी सीखा है कि SEO भी कोई चीज इस दुनिया में होती है, उसके लिए मैं ये कह रही हूँ, अगर उसको अपने कंपेटिटर का पता है ना कि उसका कंपेटिटर कौन है, किसको उसने कंपीट करना है जाके,
तो उसके लिए सबसे पहले गेम आसान हो गई, ठीक है। दूसरे नंबर पे आते हैं कीवर्ड एनालिसिस। अगर आपके पास सही कीवर्ड्स नहीं है तो आपको नहीं पता कि आप कहाँ खड़े हो। अगर आप गलत कीवर्ड को देख के अपने सारे फैक्टर्स को मैयर कर रहे हो और रैंक कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं। हो सकता है उस कीवर्ड को कोई सर्च करने वाला ही ना हो, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपेटिटर एनालिसिस कि आपने कम्पीट, जाहिर बात है अगर रेस लगा रहे हैं तो आपको एंड पॉइंट का पता होना चाहिए कि कौन सा एंड पॉइंट है जहाँ जाके आपने जीतना है, ठीक है। तो अगर आप वैसे किए जा रहे हो आपको पता ही नहीं है तो फिर काम थोड़ा सा खराब है, लेकिन होना चाहिए। और फिर कीवर्ड एनालिसिस, एक एक वेबसाइट के थाउजेंड्स कीवर्ड्स निकलते हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैंडिंग पेजेस बनते हैं, ठीक है। उनको स्ट्रक्चर करना, उनको किस तरह स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, ये सारा इनिशियल स्टेजेस में है। अभी हमने एसईओ का कुछ नहीं किया, चेंजेस कुछ नहीं वेबसाइट में किए, लेकिन उससे पहले यही सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमने आगे क्या स्टेप उठाना है उस वेबसाइट के लिए। यहाँ पे हमारे साथ है वो कुछ फेसबुक पे भी कॉमेंट्स आ रहे हैं, और उसमें से एक कॉमेंट आया है असद खालिद साहब, तो वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, एसईओ के साथ कौन सा कोर्स जो है वो करना चाहिए? एसईओ के साथ सोशल मीडिया मार्केटिंग, गूगल एडवर्टाइजमेंट्स, ये दोनों कोर्सेज आपको साथ साथ आने चाहिए, ठीक है। उससे ये होगा कि आप पूरी डिजिटल मार्केटिंग को कवर कर रहे हो। कंटेंट मार्केटिंग इसी का पार्ट है, ईमेल मार्केटिंग इन्हीं चीजों का पार्ट है, ठीक है। असल में जब मिक्सचर आएगा ना ट्रैफिक, आपकी वेबसाइट पे जब मिक्स ट्रैफिक आएगी गूगल से, सोशल से, एडवर्टाइजमेंट से, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ईमेल से, इनकी रेशियो बनती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली जो एल्गोज हैं पीछे गूगल के, वो आपको ऑथेंटिकेट कर देंगे कि हाँ ये तो हर तरफ से घेर रहा है, ठीक है। हाँ ये एक चीज है कि अगर आप अपना ब्रांड बना रहे हो तो आप सारी चीजें खुद ब खुद खुद से नहीं कर सकते, यानी कि आप फेसबुक पे कंपेन्स खुद रन कर रहे हो, गूगल पे भी खुद कर रहे हो, प्रॉपर मैनेजमेंट होती है इनकी, डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, इस चीज पे भी डिपेंड करता है। लेकिन आपको आना चाहिए, सीखना है तो इसके साथ ये पैरेलल फील्ड चाहिए इसकी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 360 डिग्री मीडिया मार्केटिंग जितनी चीज़ें हैं, एग्जैक्टली, SEO, सोशल मीडिया, वो सारी मतलब साथ होते हैं। अच्छा यहाँ पे रमजान सिंह साहब का एक क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि जीरो से एक्सपर्ट लेवल तक अगर हमें जाना है तो उसमें कितना टाइम लग सकता है हमें SEO के वाले से? 3 months तो मिनिमम है, ठीक है। 3 months के अलावा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना टाइम आपको, यानी अगर 1 महीने में, 4th month में आपको प्रोजेक्ट मिल गया है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट, 3 months तो आपने अपना ही कोई कोर्स किया या अपनी कोई वेबसाइट, डेमो वेबसाइट बना के उसके ऊपर, लेकिन एक क्लाइंट का आपको थोड़ा सा वो मिल गया है तो वो दी बेस्ट है। उसके बाद आपकी, मेरा ख्याल है कि बस शुरू हो गई चाबी, ठीक है। रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में आप डल जो तो आपको आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे बहुत से एसईओ लोग, पूरा ओशन है, आज भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ये भी मैं क्लियर कर दूँ। ये नहीं मैं कह सकती कि 3 महीने में आप सब कुछ सीख जाओगे, ये बहुत बड़ी गेम है। स्कीमा आता है इसमें, मतलब इसमें बहुत कुछ आता है, जो बहुत नई चीजें हैं और हम न्यूली डिस्कवर करें, अपडेट्स आ जाती हैं, उनको कवर किस तरह करना है, उनको क्या करना है, वो एक नए सिरे से फिर गेम शुरू हो जाती है एकदम से। ये ऐसी चीज नहीं है जो आप एक दफा सीख ली तो बस सीख ली, नहीं, डेली बेसिस पे आपको इसमें इम्प्रूवमेंट्स लानी है। यहाँ पे कई लोगों का सवाल है, मेरा अपना भी ये पर्सनल सवाल है कि SEO अगर एक बंदा सीख लेता है तो वो कितने पैसे कमा सकता है? वाह, ये बहुत जबरदस्त सवाल है ऐसे, क्योंकि एट द एंड हम सबको अर्निंग ही चाहिए। बिल्कुल मजे की ऐसे ही बात ये है कि एसईओ के बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग कीवर्ड एनालिसिस, इंक्लूडिंग स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इंक्लूडिंग कंटेंट राइटिंग, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, दो डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है। कंटेंट राइटिंग भी इसमें होते हैं, बैक लिंकिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये सब डिफरेंट पार्ट्स हैं। किसी एक में भी आप माहिर हो जो तो आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। प्लेटफॉर्म्स जितने भी हमारे हैं, फाइवर, अपवर्क वगैरह, आप यकीन कीजिए जो काम मैं 2 दिन में कर लेती हूँ फ्रीलांसर्स उसका 60,000 भी ले रहे हैं। इवन 15-20 मिनट का काम 10 से 12 हजार मैंने खुद पे करके, मैं कुछ बिजी थी और मुझे अपने प्रोजेक्ट पे काम करवाना था, ठीक है, और वो मेरे लिए 15-20 मिनट का काम था, ठीक है, करने में, और 12-15 हजार, ठीक है। तो आप खुद अब मैयर कर लो कि अगर स्पीड ऑप्टिमाइजेशन पे लोग 60,000 चार्ज करें, लेकिन वो 6-6 7-7 साल के एक्सपीरियंस लोग हैं,
उन्होंने गारंटी देनी है, ये नहीं कि अभी आपने सीखा है और आपको कि मैं 60,000 लूंगा, ऐसे नहीं होगा। उन्होंने गारंटीड वर्क देना है कि रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। उन्होंने पूरे अपने टूल्स यूज करके आपको बताना है कि आपकी स्पीड ऑप्टिमाइज हुई, मसला आ रहा था कहाँ आ रहा था, अगेन इशू, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें, तो अर्निंग तो इसमें बहुत है, ठीक है। ये तो मैंने बताई है फ्रीलांसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं, अगर आप अपना ई कॉमर्स साइट चला रहे हो फिर तो उसमें अर्निंग ही अर्निंग। वजह, अगर आज आप उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हो 3 मंथ्स बाद उसके रिजल्ट्स नजर आने लग शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट्स आने का मतलब ये कि जो लाइट कीवर्ड्स है ना, यानी कि जिनका कंपटीशन काफी लो है, उनको रैंक करना आसान है, ठीक है, वो रैंकिंग में कहीं ना कहीं आना स्टार्ट हो जाएंगे, आपको ट्रैफिक मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 3 साल बाद आपके पास कस्टमर आ रहा है और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है क्योंकि आपके टॉप मोस्ट कीवर्ड्स जो सॉरी कीवर्ड्स रैंक कर चुके हैं और अब वहां से क्लिक्स आपको मिल रही हैं, प्लस वो क्लिक गूगल से जितनी भी क्लिक्स आती है ना उसमें ट्रस्ट का फैक्टर बहुत होता है। यानी कि जो यूजर गूगल के ऊपर सर्च कर रहा है उसको उसके माइंड सेट पे ये बना हुआ है कि गूगल के ऊपर जो चीज रैंक कर रही है ना वो ऑथेंटिकेट है, ठीक है, तो वो आपकी उधर से बाय चीज करके ही जाएगा, प्रोडक्ट को बाय चांसेस हैं कि वो करके जाएगा, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उसको रीमार्केटिंग में भी करना है और ये मतलब बहुत कुछ है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उसको आप ट्रस्ट लेवल पे विदाउट एनी कॉस्ट आपको एक कस्टमर मिल गया, लीड जनरेट हो गया, ठीक है। ई कॉमर्स साइट पे हो गया, ब्लॉगर ब्लॉगिंग में तो है ही एसईओ, यानी उसकी आप एडवर्टाइजमेंट कहाँ तक करोगे, ठीक है, उसकी तो आपको एसईओ, और उसमें भी ये कि कंटेंट मैटर करता है, आपका कंटेंट अगर ऐसा कंटेंट है जो आपको 2 साल तक भी वही कंटेंट काम आने वाला है तो दी बेस्ट चीज है, उसकी आप अगेन एंड अगेन अपडेट्स करते जो उसी कंटेंट में तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैफिक दे रहा, लेकिन जल्दी नहीं करनी इसमें, रिजल्ट स्लो ही आते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास आया है, उसमें वो कह रहे हैं कि गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स हुए हैं, इसकी वजह से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सोचते हैं इस वजह से मौसम साइट का पेज वाला? सॉरी मुझे क्वेश्चन नहीं समझ आया। जी मौसम शाहिद साहब है, वो कह रहे हैं कि जी व्हाट डू यू थिंक अबाउट गूगल एल्गोरिथम अपडेट्स? गूगल की अपडेट्स, इनके जो ऑफिशियल ब्लॉग्स हैं उनको उनके न्यूज़लेटर्स पे जाके अपना ईमेल डाल दें, आपको ईमेल आ जाएगी कि क्या अपडेट आने वाली है या हो गई है, ठीक है, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से आजकल ये अपडेट्स चल रही है कि रेलिवेंसी, ये अभी काफी ज्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है, सारे इस पे बोल रहे हैं कि गूगल अब रेलिवेंसी देख रहा है, रेलिवेंसी देख रहा है, गूगल पहले भी रेलिवेंसी ही देखता था, ठीक है, लेकिन ये कि अब इसमें अपडेट्स इस तरह से आ रही है कि सिनोनिम्स, अगर आपको एक ऐसा कीवर्ड मिला है जिसमें फेमस वर्ड आ रहा है, वर्ड फेमस लाइक फेमस क्रिकेटर्स ऑफ द वर्ल्ड इस तरह करके कोई है, तो उसके लिए पॉपुलर के वो भी रैंक करेंगे जिन्होंने पॉपुलर क्रिकेटर्स के लिए वर्क किया होगा, लाइक गूगल सिनोनिम्स को पढ़ता है, ठीक है, तो ये उसकी एक अपडेट थी। तो इस तरह से आप अपडेट से काफी क्लोज रह सकते हैं, न्यूज लेटर्स को जो ऑफिशियल इनकी वेबसाइट है उधर जाके साइन अप करें। अच्छा एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे सैफ रहमान साहब ने, उन्होंने कहा जी एसईओ रैंक कर लेते हैं हम लोग एक कीवर्ड को और फिर एकदम से अपडेट आती है वो फिर से एकदम से नीचे चला जाता है, तो उसका कोई क्या इलाज है, क्या करना चाहिए इस कंडीशन में? मुझे पूरा सिनेरियो पता होगा तो मैं बता सकती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से अपडेट आई। अगर आप सही काम कर रहे हो ना, एग्जैक्ट सही सही काम कर रहे हो तो आपको ये अपडेट्स नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, ठीक है। सबसे बड़ी अपडेट यही है कि आपको रेलिवेंट रहना है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टाइम, ठीक है, मेरी अपनी वेबसाइट है ताजीन के नाम से, रिसेंटली एक ताजीन एंकर है मेरी, वो तकरीबन डेड साइट है, लाइक साइट है और वो उस पर मैं इतना ज्यादा काम नहीं कर रही, वो जो भी बिजनेस था थोड़ा सा मतलब मैंने छोड़ा हुआ कुछ कोविड की वजह से भी, तो तजीन एक एंकर है, वो मेरी वेबसाइट तजीन के नाम से टॉप पे थी, उनकी डेथ हो गई लेट दिसंबर में लाइक 2019 में। अब वो एंकर बीबीसी न्यूज की थी और वो बहुत फेमस थी ऑलरेडी, तजीन अहमद, मेरी वेबसाइट डाउन और इतनी ज्यादा डाउन विद इन 15 मिनट्स, लाइक मैं काम कर रही थी, यस
विदिन 15 मिनट्स मेरी वेबसाइट सेकंड पेज पे, और वो भी एंड पे करके, और वो पीछे पीछे। रीजन क्या बनी कि तजीन को जितने भी लोग सर्च कर रहे हैं ना, वो किस पे क्लिक कर रहे हैं? तजीन अहमद पे, या वो सर्च ही तजीन अहमद कर रहे हैं। ठीक है, तो रेलिवेंसी में जमीन आसमान का डिफरेंस आ गया। और उस चीज को देखते सार अनफॉर्चुनेटली मैं एक मीटिंग में थी और वहां मुझे खोल के देखना पड़ा ना, मैंने ये क्या हुआ, तो कहते हैं अब क्या होगा। मैंने कहा अब ये ऊपर नहीं आएगी। मुझे ये भी पता था कि इस सिनेरियो में ये ऊपर नहीं आएगी, क्योंकि मैं गलत कीवर्ड पे काम कर रही हूँ। वो बेशक मेरा नाम है, लेकिन वो ज्वेलरी का प्रोजेक्ट था, वो मेरा कीवर्ड नहीं है। बेशक मेरा ब्रांड नेम है, लेकिन अब वो कीवर्ड किसी और का, अब इस सिनेरियो में, इस टाइम पीरियड में वो बन चुका है। ठीक है, तो इसके साथ मेरा कम्पीट करना, वो ना ही मेरा कम्पिटिटर है, तो उस तरह से अब मैं नहीं कर सकती। ठीक है, एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स मैं इस पे काम करूंगी भी तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये हर सिनेरियो की बेस पे, हर कीवर्ड की सिनेरियो की बेस पे, ये भी नहीं आप कह सकते कि बिजनेस, इस बिजनेस पे ये हो गया। कीवर्ड क्या था, लैंडिंग पेज कौन सा था। लैंडिंग पेज पे अगर आपका गलत कीवर्ड, जो आपका दूसरे लैंडिंग पेज के लिए है, वो आ जाए, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ठीक है, यहाँ पे तो था ही डिफरेंट केस। मैं ये बात करूँ कि अगर दो डिफरेंट लैंडिंग पेजेस हैं और दोनों के कीवर्ड्स कोलैप्स कर गए हैं, किसी भी तरह कर गए, कोई भी वजह बनी, ऐसा हो जाता है। हमने एसईओ में काम किसी और के लिए किया, वो किसी और के लिए रैंक हो गया, तो उसमें भी ऐसा होता है, पीछे से अपडेट आई, आपका एकदम से फॉल, और आप परेशान होते हो, मेरी वेबसाइट तो ऊपर थी। ये चेक करना है कि लैंडिंग पेज कौन सा था उसके लिए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपने बात की थी एसईओ की कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है, तो उस हवाले से क्या उसकी टाइप्स होती हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, वो अगर आप थोड़ा सा हमारे नाज़रीन से शेयर कर सकें। एसईओ को मैं तो बहुत सारी टाइप्स में फर्दर उसको करती हूँ, लेकिन इसकी जो मेन टाइप्स है वो है ऑन पेज, ऑफ पेज, टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज के अंदर बहुत सारे काम है। ठीक है, आपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहले, मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, उससे पहले आपको कंपेटिटर एनालिसिस होना चाहिए, और उससे पहले, अब मैं स्टेप उल्टे चल रही हूँ, ठीक है, उससे पहले आपको अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना है कि आप अभी कहाँ खड़े हो। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे स्टेप्स ही हैं मेरे लिए, ये सारे पोर्शंस हैं। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लाइक इंटरनेशनल जॉब पोर्टल्स के साथ मैंने काम किया हुआ है, ई कॉमर्स बड़ी साइट के साथ, न्यूज चैनल्स के साथ, जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उसका स्ट्रक्चर बनाने में उतना ज्यादा टाइम लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है। ठीक है, डिसाइड करने में कि हम किस किस एरिया को कवर करने जा रहे हैं, ठीक है, और उस पॉइंट से आप कौन कौन से लैंडिंग पेजेस बनेंगे, और वो फिर ऑन गोइंग प्रोसेस है। मतलब अगर मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बात करूँ तो एसईओ जो है वो काफी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, जिनको क्या कहते हैं, सबर नहीं है जिनके, तो उनके लिए एसईओ थोड़ी सी नहीं, वो नहीं करने, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी बात चलती है मार्केट में कि जी बैकलिंक्स अच्छे होने चाहिए तो एसईओ भी अच्छी हो जाती है, बैकलिंक्स खराब से तो उसकी वेबसाइट उड़ गई। तो ये बैकलिंक्स क्या चीज होती है और इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं? बैकलिंक्स अगर लेमैन की लैंग्वेज में समझा जाए तो इस तरह से है, जिस तरह मैंने ब्रांड खोला, कोई भी ब्रांड, लाइक मेरा पिनोर्स है, अब लोगों ने मेरे बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी कि ये ट्रेनिंग करवाती हैं, बहुत अच्छी करवाती हैं, या सर्विस देती हैं, बहुत अच्छी देती हैं। अब इसी चीज़ को डिजिटल वर्ल्ड में ले आए कि मेरी वेबसाइट है और दूसरी वेबसाइट्स ने मेरे बारे में बात करनी स्टार्ट कर दी कि ये वेबसाइट ये काम करती है तो बहुत अच्छा करती है। ठीक है, अब इसमें भी दो फैक्टर आते हैं, वो रेलिवेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप फूड का बिजनेस चला रहे हो और वो टेक्नोलॉजी की वेबसाइट जाके बात करिए कि यार ये पिज्जा बनाती है तो बहुत अच्छा पिज्जा बनाती है, तो ये रेलिवेंसी बहुत ऑपोजिट है, वहां पे आपका काम नहीं चलेगा। दूसरी ये चीज कि वो ऑथेंटिक कितनी है, लाइक अगर मेरी तारीफ बिल गेट्स कर दे, एक लफ्ज ही बोल दे मेरे बारे में, तो मेरी रैंकिंग कहाँ तक जाएगी रियल लाइफ में? ठीक है, कि अब कितने लोग मेरी सोशल मीडिया पर डालना स्टार्ट कर देंगे, ये इधर उधर आप सोच सकते हो। ठीक है, उससे काम कोई एक्टर बोल दे कि हाँ ये गनवा है, ये काम करती है तो बहुत अच्छा करती है, या बुरा बोल दें तो वो उसका कितना अफेक्ट होगा, क्योंकि लोग उन्हें सुनते हैं, उन पर ट्रस्ट करते हैं। इसी तरह वेबसाइट्स को गूगल ने उनका DAPA सेट किया हुआ है, जिसका DA अच्छा होगा उसकी वो ज्यादा प्रेफरेंस देगा। ठीक है, उसको लिंक जूस ज्यादा मिलेगा,
तो आपने ये देखना है कि अच्छी वेबसाइट, रेलिवेंट वेबसाइट पे आपके डू फॉलो, नो फॉलो, इवन मेंशन भी, अगर वो सिर्फ मेंशन कर दें, आपका नाम ले दें, यूनिक नेम अगर आपको है मेंशन, सेपरेट आपको फील हो रहा हो कि ये आप ही को पा गया, उसका भी अफेक्ट होता है, ठीक है? तो वो गूगल कंसीडर करेगा उसको कि हाँ ये वाकई काम हो रहा है, तो ये बैकलिंक होती है असल में। यहाँ पे एक आम लोगों का एक क्वेश्चन आता है, वो ये आता है कि SEO फॉर एग्जांपल हमने सीख ली, ठीक है, 2-3-4 महीने का हमने कहीं से कोर्स किया, हमने कुछ कीवर्ड्स पर रैंकिंग करके, मतलब उनको कह सकते हैं कि मीडियम लेवल की SEO आ गई, अब वो प्रोजेक्ट कैसे ले सकते हैं अपना, क्योंकि लोग साल साल बैठे रहते हैं और उनको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते SEO की वजह से, तो उनको क्या आप सजेशन देना चाहेंगी? आप प्रोजेक्ट लेना एक बिल्कुल अलग डोमेन है, और उसमें सबसे पहले तो ये कि जिस चीज़ का भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हो उस चीज में आपकी पूरी ग्रिप होनी चाहिए, ठीक है? मैं किसी भी फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म पे नहीं हूँ और मैं प्रोजेक्ट्स करती हूँ, ठीक है? मुझे पहला प्रोजेक्ट मेरे टीचर के थ्रू मिला था मेरी यूनिवर्सिटी में आज से 4-5 साल पहले, ठीक है? और वो काफ़ी टफ प्रोजेक्ट था उस टाइम मेरे लिए, क्योंकि वो उर्दू की साइट थी और वो मतलब काफ़ी मेरे मुझे उसमें स्ट्रगल करनी पड़ी। तो आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है? आप प्लेटफॉर्म्स बनाओ, आप पोर्टफोलियो बनाओ। मेरा पोर्टफोलियो था उस टाइम, वो प्रोजेक्ट मुझे क्यों मिला, मेरा पोर्टफोलियो था उस टाइम, उस टाइम पे भी मेरा एक था, हाँ मिला एक्सीडेंटली था। मैं अपनी वेबसाइट दिखा रही थी कि ये वेबसाइट मैंने बहुत मुश्किलों से बनाई है, तो वो सर जो थे वो सर हला रहे थे, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एंड पे मैंने गलती से, मुझसे निकल गया कि इसमें मैंने SEO भी की है, वहाँ से मैं जाने लगी थी, वहाँ से पकड़ लिया आपने SEO की है, दिखाएं जरा, उन्होंने ज्यादा ध्यान से देखा SEO पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहां से मुझे प्रोजेक्ट मिला, वो कहीं प्रोजेक्ट मैनेजर थे, ठीक है? तो आपका नेटवर्क इसमें बहुत काम आता है, लोकल अगर आप क्लाइंट्स ले रहे हो, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे क्लाइंट्स आपका वेट कर रहे हैं, ठीक है? उसके लिए आपकी प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, डिफरेंट फ्रीलांसर भी एक है, फाइबर है, अपवर्क है, फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से लोगों को लोग मिल जाते हैं, ठीक है? तो आप पॉइंट ये कि आपका नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, और जिस चीज़ में भी आप, चाहे ग्राफिक डिजाइनर हो, SEO, सोशल मीडिया, उस चीज़ में आपकी ग्रिप होनी चाहिए, आप क्लाइंट की वेबसाइट को देख के बता सको कि आज अभी आप यहाँ खड़े हो तो मैं ये काम करके आपको यहाँ तक पहुँचा सकता हूँ, और फिर उसके ऊपर जो प्राइसिंग आप ले रहे हो, उनसे जो भी चार्ज कर रहे हो वो रिजनेबल होने चाहिए। ये नहीं कि अभी स्टार्ट में ही आप बहुत ज़्यादा चार्ज करना स्टार्ट कर दो, नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि सच बोलना, यहाँ भी बच्चे जो आते हैं वो मार खा जाते हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारा पैशन है, हम ये कर लेंगे, नहीं। आप सच सच बोलो कि हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे कर सकता हूँ और यहाँ तक मैं आपको लेके जा सकता हूँ, आपको इंशाल्लाह प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, पीछे आएंगे इवन। यानी कि अब मेरे साथ ये होता है कि क्यू में खड़े हुए और मैं मना कर रही हूँ कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये तो माशाल्लाह से आपका काफी टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है मार्केट में, लिंक की वजह से ये तो होता ही है ऐसे। हाँ। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आता है, और सवाल ये आता है कि बहुत से लोग SEO करते हैं और उनकी वेबसाइट रैंक नहीं करती हैं, ठीक है? लाइक कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जनाब हमने 6 महीने लगा दिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमने 8 महीने लगा दिए वेबसाइट रैंक नहीं हुई, तो आपको क्या लगता है कि आमतौर पर लोग सबसे बड़ी जो मेजर गलतियाँ करते हैं SEO में वो क्या है? जो मेजर गलती है ना, मैं जब SEO करती हूँ तो मैं 10 कीवर्ड्स लेती हूँ, ठीक है? और उन उसके एनालिसिस में इस तरह से जो टॉप मोस्ट कीवर्ड है ना, एक तो वो बहुत ज्यादा हाई कंपेटिटर ना हो, ठीक है? उनके कंपटीशन और सर्चेस में उन 10 के 10 की कोई रिलेशन होती है, ठीक है? अब ये कीवर्ड एनालिसिस का एक प्रॉपर, यानी कि मैं अगर पढ़ाऊँ तो 4 दिन लग जाते हैं आराम से, तो मैं एक जनरल सा बता देती हूँ कि कीवर्ड एनालिसिस में अगर गलती हो ना तो अक्सर का ये प्रॉब्लम आती है। एक हाई कीवर्ड को जिसका कंपटीशन बहुत ज्यादा था और आपने उसको मिड वाले कीवर्ड्स में रख दिया, यानी 10 कीवर्ड्स है ना, तो हर कीवर्ड को नंबर दे दें, जो फर्स्ट कीवर्ड है वो मेरा प्राइमरी फोकस कीवर्ड होगा, सेकंड सेकेंडरी होगा और थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो वो SEO खराब है, ये अच्छा तरीका नहीं है, ठीक है? हाईएस्ट कंपटीशन वाला, सर्चेस भी बहुत अच्छी हों उसकी,
और इस तरह आपने सीक्वेंस बनाना है रेलिवेंट हो। रेलिवेंसी बहुत जगह मार खा जाती है, लोग अपडेट नहीं रहते। ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मैंने भी सुना था किसी स्टूडेंट से कि हम वेबसाइट बना के छोड़ दें। आप कहती हैं कि टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है एसईओ में, वेट करना है, वेट करना है, वेट करना है। अगर हम एसईओ वेबसाइट बना के छोड़ दें तो क्या हम रैंक कर जाएंगे? हरगिज नहीं। आपको अपडेटेड रहना है, ठीक है, कंटेंट अपना। ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह ई कॉमर्स मैंने खोली और अब मैं प्रोडक्ट्स ऐड नहीं कर रही लेकिन कस्टमर मेरे पास आके बाय कर रहे हैं, तो मेरी रैंकिंग डाउन होने के चांसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये बिजनेस के एंड होने की निशानी है, ठीक है। किसी ने भी अपना बिजनेस एंड करना है तो वो अपना माल निकालेगा, रियल लाइफ की बात कर रही हूँ, वेबसाइट की नहीं, अपना माल निकालेगा कि ये बेच दो, और नया माल उसके पास नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आप अपडेट नहीं कर रहे तो गूगल को यूँ लग रहा है कि आप एंड वाले पोजिशन में जा रहे हो, तो आप बिजनेस खत्म करने वाले हो अपना, तो आपकी रैंकिंग गिर सकती है। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, ये एनालिसिस करके पता चलता है कि ये स्पेशल इस कीवर्ड के लिए ऊपर था तो अब नीचे क्यों गिर रहा है। मैंने एक एग्जांपल अभी अपनी भी दी है। यहाँ पे आपने बीच में बात की थी कंटेंट मार्केटिंग की, थी एसईओ का एक पार्ट कंटेंट मार्केटिंग है जिसमें कंटेंट राइटिंग और ये चीजें, तो इसके वाले से अगर आप ऑडियंस को बता सकें कि ये कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है और एसईओ में इसका क्या मतलब फायदा होता है। एसईओ में इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो फायदा ये है कि अगर हम एक जबरदस्त ब्लॉग के ऊपर अपना कंटेंट पब्लिश करवा लें, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरी एकेडमी है और मैं हमारी जो एजुकेशन की टॉप मोस्ट वेबसाइट्स हैं जैसे इल्म की दुनिया, ठीक है, उसके ऊपर जाके अपनी एकेडमी के बारे में कुछ लिखवा दूं तो आपकी कितनी ज्यादा रैंकिंग होगी। तो यही कंटेंट मार्केटिंग है कि आपने उधर जाके अपनी मार्केटिंग कर दी, ठीक है, कंटेंट में। अब उसमें आपके लिंक्स भी होंगे, आपको मेंशन भी किया जाएगा। अब होगा ये कि वो इल्म की दुनिया अपने सोशल मीडिया में भी कहीं ना कहीं से ट्रैफिक ले रही होगी और वो उस पेज पे आ रहे होंगे लोग, और उस पेज से आपके वेबसाइट पे आ रहे होंगे, या कहीं ना कहीं से लिंक जूस मिल रहा होगा। तो ये जब मिक्सचर बनता है ना तो एसईओ में बहुत ज्यादा फायदा होता है, अच्छा लेकिन ये इतना कंटेंट आसान राइटिंग नहीं है। वो जो फिर इनकी दुनिया इस तरह की वेबसाइट को पैसे भी इल्म देने की पड़ेंगे दुनिया आपको, क्यों पोस्ट करेगी आपका कंटेंट? ऑब्वियसली हाँ, ये ये वो थोड़ा सा पैसे और वो टफ फिर है। आपको मतलब लिंक्स और वो चीजें उसमें आ जाती। अच्छा हाँ कंटेंट राइटिंग के वाले से आप क्या कहना चाहेंगे, कंटेंट राइटिंग कितना मैटर करती है एसईओ में, और अगर किसी बंदे ने सीखनी हो तो उसमें क्या टाइम लग सकता है और क्या इसमें चैलेंजेस क्या आते हैं। कंटेंट मार्केटिंग में पहली चीज तो ये कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर मेरे पास कोई कंटेंट मार्केटिंग के लिए आ रहा है तो वो मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करे कि मैं पहले इंग्लिश सिखाऊंगी उसको, थोड़ी थोड़ी इंग्लिश, हाँ थोड़ी सी इंग्लिश मॉडरेट लेवल की, ये नहीं कि बहुत हाई लेवल की, मॉडरेट लेवल की इंग्लिश उसकी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये है, और उसकी रिसर्च अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं ये नहीं बता रही कॉन्टेंट किस में लिखना है आपने, मैंने सिर्फ ये बताना है कंटेंट क्या लिखना है। अब अगर आप इंटरेस्टेड हो फैशन में और आप ये सोच के आए हो कि मैं इसमें कंटेंट लिखूंगा और आपने प्रोजेक्ट भी करने हैं और प्रोजेक्ट आपको अनफॉर्चुनेटली मिल गया टेक्नोलॉजी का, और उसमें अगर आपकी रिसर्च नहीं अच्छी, आप सर्च नहीं कर पा रहे कि सर्च कैसे करना है, चीजों को कैसे निकालना है और उसमें से अच्छी बात निकाल के उसको मैंने कैसे एक्सप्रेस करना है, तो फिर आप नहीं कर सकते। ये ज्यादा चीज ना सिखाने वाली नहीं है, ये ज्यादा चीज एक्सपीरियंस करने वाली है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग में कभी भी अलग से नहीं सिखाऊंगी, ये इसका ही अंदर का पार्ट है, और आपको ये खुद एक्सपीरियंस करना है कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। नीश स्पेसिफाइड कर लें, वो कंटेंट राइटर्स भी बहुत जबरदस्त हैं, अपनी नीश स्पेसिफाइड, जैसे फैशन में इंटरेस्ट है सिर्फ फैशन ही रख लें, जबरदस्त। अच्छा यहाँ पे एक और भी सवाल आता है कि ये नीश कैसे ढूंढा जाए, और पहले तो खैर मेरे हिसाब से ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि नीश क्या होती है। होता मैं पहले क्या चाहूंगा आप नीश बताएं कि नीश एक्चुअली क्या होता है, ये इतना क्यों लोग यूज करते हैं, खासतौर पे एसईओ के लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं वर्ड। हाँ हम बहुत यूज करते हैं, नीश होता है कि आपकी ऑडियंस क्या है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने एजुकेशन की बात की तो हमारी ऑडियंस है स्टूडेंट्स, तो एजुकेशन मेरी नीश है, ठीक है, और आपने ऑडियंस को भी देखना है और अपनी कैटेगरी को देखना है जिस कैटेगरी में आप फॉल कर रहे हो, तो ये दोनों चीजें मिलके नीश बनती हैं, ठीक है। फैशन की बात करें तो फैशन में बहुत कुछ आता है, बहुत ब्रॉड है फैशन, इसके अंदर सब नीश ढूंढे। फैशन में क्या, जो लड़कियां नेल पेंटिंग करके अपनी वीडियोस और चैनल्स चला रही हैं वो भी फैशन का ही पार्ट है,
जो रैम्प पे वॉक करते हैं वो भी फैशन का ही पार्ट है, जो ब्रांड्स काम कर रहे हैं उस पे क्लोथिंग पे और इन सब चीजों पे वो भी फैशन का पार्ट है, जो ब्लॉग्स लिख रहे हैं वो भी फैशन का पार्ट। तो अब आप क्या करना चाह रहे हो इस इन सब में? ठीक है, मेकअप करके लोग फेमस हो रहे हैं, यानी कि उनकी वीडियोस चल जाती हैं, हेयर स्टाइलिंग पे, ये सब, अब ये सेपरेट सब नीश बन रही है। अब इसमें से एक सिलेक्ट कर लें आप, जितना स्पेसिफाइड होंगे ना आने वाले वक्त में उतना आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल आता है नीश के वाले से ही, मैं पूछता चलूँ कि एक अच्छा नीश कैसे ढूंढा जा सकता है, यानी कि एक अच्छा नीश, फॉर एग्जांपल जैसे आपने कहा जी आप फैशन में तो फैशन में रहें, एजुकेशन तो एजुकेशन में रहें, एक पर्सन जो ले मैनेज को नहीं पता कि किस फील्ड में उसको जाना चाहिए, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा जी कौन सा नीश अच्छा है या कौन सा नीश उसके लिए स्पेसिफिकली ज़्यादा अच्छा हो सकता है या जिसमें जल्दी वो ग्रो कर सकता हो? अच्छा, इसमें दो तरह के लोग आते हैं, एक तो वो जो बिल्कुल ब्लैंक हैं, उनका पास्ट में कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ किसी भी बिजनेस में या किसी भी तरह से, उनके वालिद साहब या वो नहीं कर रहे, ठीक है, उनके लिए थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो होगा। एक वो बच्चा या बच्ची मुझे देख रहे हैं जिनके पीछे से कोई ना कोई बिजनेस चल रहा है, ठीक है, और तो मैं रिकमेंड करूंगी तो जो आपका बिजनेस आ रहा है ना आप उसी को पकड़ के डिजिटलाइज करने की आइडिया लेकर आओ तो आप ज्यादा बेस्ट काम कर सकते हो, ठीक है। मेरे सर्कल में एक है, वो ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जो लॉयर्स के ऊपर, यानी कि लॉयर्स का डेटा इकट्ठा करके और उसके ऊपर वो काम करेगी। मैं बड़ी वो हुई, मैंने कहा लॉयर्स का डेटा आप एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये डेटा लेना और इसको सिंक्रोनाइज करना और इसको सेट करना, ये एक बहुत बड़ा काम है। कहते मेरे वालिद साहब, मेरे बड़े भाई और उन्होंने पता नहीं कितने रिश्ते गनवा दिए, ये सब लॉयर्स हैं। मैंने कहा आप करें कामयाब होंगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो ये चीज कि आप खुद कहाँ खड़े हो ये देखना है, ठीक है। और अगर आप बिल्कुल लेमैन हो तो फिर सर्च करें, बहुत सारे टूल्स हैं, वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर पूरा पूरा एनालिसिस होते हैं कि किस नीश के ऊपर जो वेबसाइट कहाँ खड़ी है और कब बनी थी और आज कितना कमा रही है, ठीक है। गूगल ट्रेंड्स यूज करें कि ट्रेंड्स में कौन कौन सी चीजें ट्रेंडिंग पे आ रही हैं। फिर आपका अपना इंटरेस्ट भी, अगर आपने इंटरेस्ट से हटकर काम किया ना वहां पे भी स्टूडेंट्स मार खा जाते हैं फिर। ठीक है, अच्छा मैं एक्चुअली जानना चाहूंगा, एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो ये कि SEO में बड़ी दफा होता है कि हम क्लाइंट से कह देते हैं कि जी 3 मंथ में ये हो जाएगा, 6 मंथ में ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन एज अ डे आपको पता है बहुत सारी जगहों पे चीजें चेंज रहती है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या लगता है कि एज ए SEO एक्सपर्ट क्या करना चाहिए, क्या टेक्निक यूज करने चाहिए कि वो जल्दी से रैंक कर सके, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको जरिए आप क्लाइंट को जरा सेटल डाउन कर सकें कि मतलब अभी जरा सब्र करें आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा? क्लाइंट को कभी भी ये नहीं कहना कि ये 3 मंथ्स में हो जाएगा। क्लाइंट को ये कहना है कि मैंने जितने प्रोजेक्ट्स किए हैं ना, लाइक मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं उसमें 3 मंथ्स में भी रिजल्ट्स आया हुआ है, 6 मंथ्स में भी आया हुआ है और 2 साल में भी नहीं आया हुआ, लेकिन वो कीवर्ड बहुत जबरदस्त है, जब आएगा तो आपको ऐसी ट्रैफिक देगा मंथ में, यानी कि 30,000 वाला कीवर्ड है, उसके रिजल्ट्स कभी भी जल्दी नहीं आएंगे। हाँ, 500-600 वाला है, ऐसा कीवर्ड है जो 500-600 ट्रैफिक लेकर आ रहा है या इससे कम है, वो जल्दी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, लाइफ टाइम आपको उससे उतनी ही ट्रैफिक मिलती रहेगी। लेकिन एक अच्छे कीवर्ड पे मैंने, अगर आपकी SEO की है, मुझे बैकलिंकिंग में भी उसका काम ज्यादा करना पड़ेगा, उसकी लैंडिंग पेज पे भी ज्यादा काम करना पड़ेगा और वेट भी आपको ज्यादा करना पड़ेगा। स्टार्ट में कभी भी ग्रंटेड नहीं कहना, क्योंकि SEO में कुछ भी ग्रंटेड नहीं होता, ठीक है। क्लाइंट जो काम कर रहे उसके काम करने के अंदाज में भी फर्क अगर आ गया तो आप पे फर्क पड़ सकता है। लाइक अगर वो ब्रेक पे चला गया महीने की और पीछे से आप तो नहीं ना उसका कंटेंट बना के डाल रहे, ठीक है, अगर डाल रहे हो तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर नहीं डाल रहे, वो एक ब्रेक आ गई तो वहां पे मसला हो सकता है। तो ग्रंटेड नहीं कहना, इस तरह बोलना है कि रिजल्ट्स 3 मंथ्स में भी आ सकते हैं, 6 मंथ्स में भी आ सकते हैं, इससे ज्यादा भी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन ये भी सच है कि मुझे भी क्लाइंट्स को सेटिस्फाइड करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि इनके रिजल्ट्स, उसके लिए फिर मैं क्या करती हूँ, Ahrefs टूल है, उसके अलावा और भी टूल्स हैं, उनकी स्टैट्स दिखा के क्लाइंट को खुद उनकी स्टैट्स दिखा के कि ये देखिए ये कीवर्ड है, इसके ऊपर इतनी ट्रैफिक है और इतनी वेबसाइट्स हैं जो इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वेबसाइट्स हैं,
तो आपने 1 लाख यूं समझें कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और उसने 1 लाख में से फर्स्ट 3 पोजीशन में से कोई पोजीशन लेनी है, तो उसके लिए आसान नहीं है, टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो वो वहां से समझ जाता है। AHREF ऐसा टूल है जो कॉस्ट भी बता देता है कि इस कीवर्ड की वजह से जो ट्रैफिक आ रही है उसके ऊपर, उसकी वजह से अर्निंग कितनी हो रही है, यानी कि एस्टिमेट से अमाउंट दे देता है, तो उससे क्लाइंट काफी रिलैक्स हो जाता है कि अच्छा हाँ ये वाकई वर्थफुल है, ये वेट करना एक बहुत जबरदस्त रिजल्ट्स देने वाला है हमें आगे आके। तो यहाँ पे हमारा जो है वो टाइम भी तकरीबन एंड होने वाला है, तो मैं सबसे पहले मिस गनवा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने इतने बिजी शेड्यूल में से हमें जो है वो टाइम दिया, और उम्मीद है कि ऑडियंस को कुछ ना कुछ जो है वो सीखने को जरूर मिला होगा आज की वजह से, कम से कम उसको रोड मैप तो मिल रिव्यू गया होगा कि जी कीजिएगा। अच्छा, जी मिस बताएं बताएं आप बताएं। मैंने कहा ऑडियंस से, मैं कह रही हूँ कि रिव्यू जरूर कीजिएगा कि आपको क्या सीखने को मिला और इन्फॉर्मेशन इंक्रीज हुई भी या नहीं, और हम इसे फर्दर लेके फिर चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, तो इसके साथ ही मैं आपको फिर से शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें नो टाइम प्रॉब्लम। दिया, और ऑडियंस का भी, कि उम्मीद है उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। और करंट जो सिचुएशन है पेंडेमिक की, वो हम सबके सामने है, और अगर मैं उसमें देखूँ तो जितने भी डिजिटल बिजनेसेस थे, जितने सोशल मीडिया, SEO, उसमें वर्डप्रेस, जितने भी आपके ऑनलाइन स्किल्स थे, उनकी मांग भी इंक्रीज हुई है, डिमांड भी उनकी इंक्रीज हुई है, उनके रेट्स भी इंक्रीज हुए हैं, और साथ उनका काम भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। इसमें अगर करंट सिचुएशन में देखें तो IT के जितने भी लोग हैं वो बिल्कुल वैसे ही घरों से काम कर रहे हैं, बल्कि जो नहीं भी कर रहे थे घरों से काम वो भी घरों से कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव वो काम कर रहे हैं, जबकि जो बाकी फील्ड उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो वेरिएशन देखने को मिली है। तो उस कंडीशन में अगर मैं देखूँ तो SEO एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप सब लोगों के लिए, और इसी के साथ मैं चाहूँगा मिस अगर आप हमारी ऑडियंस से कोई मैसेज शेयर करना चाहें इस पेंडेमिक के हवाले से और SEO के हवाले से, जी एक तो ये कि पैनिक नहीं होना, मैं कुछ लोगों को देख रही हूँ, आवाज जी आ अब आ रही रही है है। जी। मैं इस सिचुएशन में देख रही हूँ कि कुछ लोग पैनिक ज्यादा हो रहे हैं और कुछ लोग बहुत ही ज्यादा रिलैक्स हैं, तो मैं दोनों ही सूरत हाल में ये गलत कहूंगी कि बहुत ज्यादा रिलैक्स भी नहीं होना, ये सिचुएशन है, सीरियस मसला है, लेकिन इतना भी पैनिक नहीं होना कि आप सारा काम छोड़ के कहो कि बस अब मैंने यही एहतियात करनी है। तो ऑनलाइन काम करें, ऑनलाइन बहुत सारा स्कोप है। इवन अगर आपको लॉकडाउन खुल गया है और आपका दिल नहीं मान रहा, मेरे अपने सर्कल में कुछ ऐसे लोग हैं जो जॉब्स पे जाने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। इवन मेरे सर्कल में ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स भी एक दो में वो शुरू हुई है आने, तो मैंने उनको मशवरा दिया कि आप अगर 4 मंथ्स तक भी बगैर सैलरी के जिंदा रह सकते हो ना, तो प्लीज कुछ भी कर लो, ऑनलाइन आ जाओ। SEO के अलावा बहुत कुछ है, वीडियोग्राफी है, आप अपना कंटेंट जनरेट कर सकते हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग भी है, और इसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग, बहुत सारी फील्ड हैं, आप ऑनलाइन बैठ के ग्लोबली काम कर सकते हो। तो ये मेरा मैसेज है कि आप ऑनलाइन बैठे काम करें, अपनी भी हिफाजत करें और अपनों की भी हिफाजत करें, ये इस टाइम में बहुत जबरदस्त ये जरूरी चीज है। जैक मा का एक मैंने कोट पढ़ा है इन दिनों में, आपने भी पढ़ा होगा, कि इस साल में 2020 में सक्सेस की डेफिनेशन ये नहीं है कि आपने कुछ कर लिया या कोई गोल सेट किया और वो अचीव कर लिया या उस अचीव करने में पहला स्टेप उठा लिया, ये जैक मा ने कहा है, ठीक है। इस साल सक्सेस सिनेरियो ये है कि आप हेल्थी लाइफ गुजार गुजार रहे हैं और आप जिंदा हैं, क्योंकि ये वाकई एक इशू है, यूरोप में किस तरह उसने नुकसान पहुंचाया, अल्लाह ना करे कि हमें वो वक्त देखना पड़े। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हम सब जरूरी हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसी, मैं इस चीज़ के साथ बिल्कुल एग्री करूंगा कि करंट जो सिचुएशन उसमें हम लोग देख सकते हैं क्लियरली कि डेली बेसिस पे जो इश्यूज हैं, डेली बेसिस पे जो केसेस हैं रिगार्डिंग कोरोना वायरस वो बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे, वहाँ से केसेस भी बढ़ रहे हैं, और साथ साथ कोरोना वायरस भी इवॉल्व हो रहा है, नई नई उसकी सिम्टम्स, नई नई उसकी जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो आई गेस इलाज से बेहतर है कि आप एहतियात कर लें, क्योंकि इलाज में बहुत सारी चीज़ें और भी आ जाती हैं, किसी को नहीं भी कोई मसला तो वो भी निकल आता है बीच में, तो ये एक छोटी चीज़ है। तो इसी के साथ आज का जो शो है उसको हम लोग एग्जाम पे लेके चलते हैं, और एक चीज़ मैं बताता चाहूँ कि PNY जो है वो डेली बेसिस पे इस तरह के सेशन आपके लिए लेकर आता रहता है मोटिव एक्सपर्ट के साथ, तो
ताकि इस लॉकडाउन की सिचुएशन में जो है वो आप कुछ ना कुछ जो है वो सीख सके. सो एक बार फिर से थैंक यू सो मच मिस गर्मा फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक्स एवरीबॉडी जिन्होंने आज का जो है सेशन लिया. उम्मीद है आप लोग जो है अपना ख्याल रखेंगे और आने वाले सेशन में हमें ज्वाइन करते रहेंगे. तब तक के लिए आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़. हाफिज़.